तो हुआ कुछ यूं कि एक ब्रिटिश इंटरव्यूअर जिसका नाम था पियर्स मॉर्गन, मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नेशनल टीवी पर इंटरव्यू ले रहे थे कि अचानक उन्होंने रोनाल्डो को इनके वालिद का एक ऐसा क्लिप दिखाया जो उन्होंने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड करवाया था, और इसके अंदर वो अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे और इसे बेसिकली मोटिवेट कर रहे थे। रोनाल्डो ने इससे पहले ये क्लिप कभी नहीं देखा था, सो उन्होंने जब इसे देखा तो बेख्तियार इमोशनल होकर नेशनल टीवी पर फूट फूट कर रोने लगे। इस वीडियो को देखकर मेरे जहन के अंदर कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। देखें, इंसान की ये फितरत है कि जो चीज़ उसके पास मौजूद हो वो उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जब वो चीज़ चली जाए तो हम लोग इसकी कमी महसूस करते हैं और हमें महसूस होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स हमारे पास मौजूद है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो जब वो हमारे पास नहीं होता तो तब हमें उसकी कमी महसूस होती है, तब हम उसकी कदर करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आंखों की कदर पूछनी हो कि आंखें इंसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और उनकी कदर क्या है, तो उससे पूछें कि जिसके पास बिनाई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी के पास टांगे नहीं हैं तो उसकी कदर किसी लंगड़े से पूछें। किसी के पास कान नहीं है तो उससे पूछें कि कानों की कदर क्या है। वो दुनिया की तमाम दौलत बेचकर भी चाहेगा कि उसे सिर्फ ये नेमत मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर माँ बाप जैसी नेमत की कदर पूछनी है तो उन लोगों से पूछें कि जिनके पास माँ बाप मौजूद नहीं है। यकीनन जो लोग इस नेमत से महरूम हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आज हमारी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रूटीन के अंदर और हम दुनियादारी में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास माँ बाप को देने के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं है। आप ज़रा गौर करें कि जैसे जैसे आप जवान हो रहे हैं, आप अपनी जवानी में कदम रख रहे हैं, वैसे वैसे आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनको आपकी केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, वो मौत के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। आप ज़रा सोच कर देखें कि एक इतना मेच्योर शख्स, एक फ़ुटबॉलर, एक एथलीट, उसका नेशनल टीवी पर बेकाबू होकर इस तरह फूट फूट कर रोना, उसके पीछे वजह है तो सिर्फ फैमिली और स्पेशल उसके वालिद अबू। सनन अल तर्मजी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मौजूद है जिसमें कहा गया है कि बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अब ये तुम पर है कि तुम इस दरवाजे को खोल पाते हो या इसे बंद रखते हो। अब शायद मेरी इन बातों के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बात से तफाक ना करें, वो इस बात में शिकायत करें कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा सख्त हैं या उनका करेक्टर ठीक नहीं है या फिर वो इन पर बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे। ये मुमकिन है, ये चीज़ें मैं नहीं कहता कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी शख्स की पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स किसी तरह से शामिल ना हों। लेकिन ज़रा गौर करें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वालिद एक सोल्जर थे और रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बुरे नशे की लत में लग गए थे। आप जानते हैं कि जो शख्स नशे का शिकार हो उसको दुनिया जहान की परवाह नहीं होती, तो वो फैमिली को क्या वक्त दे सकता है। तो इसी तरह से जब इसके वालिद नशे की लत में लग गए तो उन्होंने रोनाल्डो को और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद अपने वालिद के गुजर जाने के बाद रोनाल्डो का रिएक्शन आप देख लें। यकीनन इसको वही महसूस कर सकता है जो माँ बाप से महरूम हो, ख़ासतौर पर बाप से। आप याद रखें कि आपके वालिद के गुजरने के बाद अगर कोई भी शख्स ये दावा करे कि वो आपके वालिद की जगह ले सकता है या वालिद की तरह आपको साया और प्रोटेक्शन फराहम कर सकता है, एक फ़ख्र प्रोवाइड कर सकता है जो दुनियादारी के अंदर एक वालिद का साया सर पर होने के नाते आपको मिलता है, फिर चाहे वो ये दावा करने वाले आपके चचा हों, आपके दादा हों, आपके ससुर हों या कोई भी हो, तो ये सब के सब दावे झूठे हैं, क्योंकि रियलिटी के अंदर कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। आज की तेज तरीन लाइफ ने और हमारे काम ने हमें हमारे आसपास मौजूद खूबसूरती से बिल्कुल अंधा कर दिया है। मुझे याद है कि हमारी ग्रेजुएशन में इंग्लिश की बुक के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था 3 Days to See और उसकी ऑथर का नाम था हेलन केलर। ये ब्लाइंड थी और अपने इस आर्टिकल के अंदर वो कहती हैं कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए मेरी आंखें वापस दे दी जाएं, तो वो कहती हैं कि मैं सिर्फ इन 3 दिन के अंदर अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करूंगी कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैं सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर जी लूँगी। मैं दुनिया की खूबसूरती देखूँगी, अपने पास मौजूद लोगों को देखूँगी जिसे इंसानी आँखें रखने वाले शायद ही कभी नोट करते हों। हेलन केलर का यह भी कहना था कि आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये पता होगा कि उनकी आंखों का रियल कलर क्या है, क्या आपने कभी नोटिस किया? यानी कि हम अपने आसपास मौजूद नेमतों को देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, और इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है आपके माँ बाप। बिल्कुल इसी तरह से जो वालिद हैं आजकल के दौर के अंदर पैसा कमाने के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो फैमिली को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते। ये ख़ास तौर पर अपर क्लास फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो जब वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते तो अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाते, और जब अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट नहीं कर पाते तो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर जाकर उनको यही रिग्रेट रहता है कि हमने अपने वक्त को गैर ज़रूरी कामों के अंदर ज़ाया किया और अपने आखिरी वक्त के लिए ऐसी कोई मेमोरीज़ नहीं बनाई जो मुझे
اس وقت آخری عمر کے اندر خوشی دے سکیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ میموریز ایسی چیزیں ہیں، خوشی ایسی چیز ہے جو آپ پیسوں سے کبھی نہیں خرید سکتے، لیکن بعد میں ریگریٹ کرنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھی والد ہوں گے اور میری اس باتوں کو یقیناً آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کے لیے تو اس کے اندر بھی خیر ہی ہے۔ اگر آپ کے والد بہت زیادہ سخت ہیں، بہت سخت مزاج ہیں اور آپ کو عادت ان کی بالکل پسند نہیں ہے، تو سوچیں کہ اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوگا جو آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سختی آپ کو معاشرے کے اندر جینا سکھا دے، معاشرے کی سختیاں آپ کو برداشت کرنا سکھا دے، اور یہی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے واریر تھے، کتنے سخت جان، کتنے سخت دل کے مالک تھے، لیکن وہ بھی اپنے والد کی وفات پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، کیونکہ والد تو والد ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر کے والد مشرک تھے اور بہت زیادہ سخت تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کے والد بھی مشرک تھے، لیکن پھر بھی ان کی محبت کو یاد کر کے اور اپنے والد کا سایہ اپنے سر سے اٹھتا دیکھ کر وہ لوگ بھی رو پڑے تھے۔ ایم شیور کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے بعد یہ آپ کو ویڈیو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، اور اگر واقعی آپ کے اندر کوئی ایسی خامی موجود ہے تو آپ اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ سو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ۔